पिछले 72 घंटों से जब से ये खबर सामने आई है कि रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी दे दी है, उसके बाद से बवंडर मचा हुआ है। एक धड़ा ये कह रहा है कि विराट कोहली को आखिरकार कप्तानी से क्यों हटाया गया, तो दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि अब भारत के पास आईसीसी ट्रॉफी आ जाएगी क्योंकि विराट कोहली अब टीम के कप्तान नहीं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाए जाने के फैसले को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग इस फैसले का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में रोहित और विराट के बीच जो रिफ्ट की खबरें थी उसको लेकर भी हर कोई अपने अपने तरीके से बड़ा बड़ा बयान दे रहा है। ऐसे में खबरों की माने तो रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाए जाने के बाद पूर्व कप्तान MS धोनी ने खुलकर अपनी बात कही। जी हाँ, खबरों की माने तो धोनी ने हाल ही में दिए गए एक लोकल अखबार को इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट को काफी आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि BCCI ने जो भी फैसला लिया होगा वो श्योर है कि उन्होंने विराट कोहली से पूछ के ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा कि विराट से कप्तानी छीन ली गई। उन्होंने कहा कि विराट एक अलग तरह के कप्तान थे और उन्होंने भारतीय क्रिकेट को जिस जगह लाकर खड़ा किया है, रोहित उस विरासत को आगे बढ़ाएगी। धोनी ने कहा कि कई बार खिलाड़ियों के जिंदगी में ऐसा फेज आता है जब चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम जो है वो खराब है या फिर आप कप्तान खराब है। धोनी ने यह भी कहा कि विराट का बतौर कप्तान रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि वो कितने बड़े कप्तान हैं, उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर ये कहा कि रोहित शर्मा को जब उन्होंने पहली बार देखा था वो उसी दौरान समझ गए थे कि ये शख्स आने वाले समय में भारतीय टीम की कप्तानी बेहतर तरीके से कर सकता है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से वो खिलाड़ियों के साथ मेलजोल बढ़ाकर रखते हैं, ये बहुत बेहतर है कि भारतीय टीम को विराट कोहली के बाद एक ऐसा कप्तान मिला है जो कि चुपचाप खिलाड़ियों की बात सुनेगा और खिलाड़ियों को आगे मौका देगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।